महाकाय शूरकोटिशमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवि सर्वे कार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणपति के श्री चरण कमलों में वंदना करते हुए शुरू करते हैं हस्तरेखा विज्ञान का सिलसिला शुरू, और इसी के साथ आप हाथ नंबर 8 में देखें। इस हाथ को बड़े ध्यान से देखिए। ऐसी रेखा वाला मनुष्य कल्पनाशील गुणों के कारण जीवन में अथाह सफलता को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति तो लगभग शेखचिल्ली की तरह सफलता पाने में कामयाब होते हैं। हमारे भारत में यानी हिंदुस्तान में ऐसी एक कहावत है, शेखचिल्ली। शेखचिल्ली का नाम जहां पर आता है व्यक्ति उसे मूर्ख या बेवकूफ समझता है, लेकिन हम यहां आपको उल्टा बता रहे हैं। शेखचिल्ली तो होता है, लेकिन उसकी कल्पना सफलता में कायम हो जाती है। ऐसे ही रेखा वाला एक मनुष्य गांव का रहने वाला था, अचानक बैठा और ध्यान लगाया, बस कल्पना की दुनिया में खो गया। क्या देखता है कि अचानक वो हीरे की खदान में हीरा प्राप्त कर लेता और उस हीरे को मिल गया लेकर 2 करोड़ रुपए में बेच देता और एक बड़े शहर में जाता है और वहां अपनी कंपनी स्थापित करता। कल्पना की उड़ान में खोया व्यक्ति जब कल्पना की नींद से जागा तो मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में गया और हीरे की खदान को किराए पर लिया और हीरा की खुदाई चालू कर दी। अगले ही दिन उस व्यक्ति को 2 करोड़ का हीरा बाकी मिल गया। 2 करोड़ की नगद राशि लेकर हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य में गौतम बुद्ध नगर जिले की ग्रेटर नोएडा तहसील में पहुंचा। वहां सूरजपुर और दादरी के बीचों बीच भंगेर से लेकर के तनकोर तक का रास्ता उसने पूरा देखा और वहां पर एक एलजी नामक कंपनी स्थापित की और आज उसकी कंपनी में हजारों कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार हैं और कैजुअल वर्कर हजारों की तादाद में है। यही नहीं, इस व्यक्ति की पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, हरियाणा और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, जापान के टोक्यो शहर में भी कई कंपनी एलजी नाम से आज ही है। ऐसा व्यक्ति कल्पना की उड़ान में इतना उठा कि मानो हिंदुस्तान का सबसे अमीर रईस आदमी बन गया। ऐसा व्यक्ति जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं हैं, यानी चंद्र पर्वत से रेखा गहरी होकर शनि रेखा में मिल जाए और रेखा शनि सीधी जाती हुई शनि पर्वत पर समाप्त हो जाए, ऐसा व्यक्ति कल्पना शक्ति के बलबूते पर बहुत सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कल्पना सफल रूप धारण कर ले तो व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चमक जाता है। जैसा कि आप हाथ नंबर 509 में देख रहे हैं, इस हाथ को बड़े ध्यान से देखें। हर बार मनुष्य की रेखाएं जाली नुमा आकृति बना देती हैं और ऐसी रेखा जैसा कि आपको इस हाथ में दिखाई जा रही है, भाग्य रेखा से कई रेखाएं बीच में आकर जैसे बुध पर्वत, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत से रेखाएं भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही है। यदि ऐसी रेखाओं वाला मनुष्य है तो अपने जीवन में भाग्य वृद्धि में बाधक असफलताएं पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भाग उन्नति नहीं कर पाता है, कई प्रकार की असफलताएं उसके जीवन में लगातार आती रहती है। जैसा कि इस हाथ में आपको दिखाया जा रहा है, जैसे बुध पर्वत से भाग्य रेखा को मणिबंध के पास से रेखा काट रही है। आयु का यह भाग व्यक्ति के 20 से 25 माह वर्ष का है। इस अवस्था में व्यक्ति पढ़ाई लिखाई पूरी करके व्यापम का टेस्ट पास करके नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया, बस ज्वाइन करने ही जा रहा था। जैसे ही अचानक बस में सवार हुआ और बस थोड़ी देर चली, बस पेट
पेड़ से जाकर टकरा गई। उस बस में सवार यात्री ही कई प्रकार से, कुछ लोग तो मौत के घाट उतर गए और यह व्यक्ति जो उस बस में सवार था इतनी बुरी तरह से घायल हुआ कि 24 घंटे तक के लिए कोमा में चला गया और हॉस्पिटल से एक माह बाद इस व्यक्ति को छुट्टी मिली। तो जहां ज्वाइनिंग करना था जिस तारीख को, वो तारीख गई और नौकरी हाथ से गई। अब आप सोचिए, ऐसी रेखाएं जीवन में व्यक्ति के भाग्य उदय में, भाग्य उन्नति में पूरी तरह बाधक होती है। नौकरी के लिए सब कुछ किया लेकिन बना बनाया काम बिगड़ गया। दूसरे नमूने के तौर पर एक व्यक्ति की, जहां पर शुक्र रेखा यानी शुक्र पर्वत से भाग रेखा को जो रेखा काटती दिख रही है, उस आयु में व्यक्ति का विवाह तय हो चुका, बारात जा रही थी, वहां मंडप सजा हुआ, लड़की वालों के यहां पूरी तरह की तैयारी, लड़का बारात लेकर जा रहा था, अचानक बीच में 4-5 आतंकवादियों ने उस लड़के को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। अब ऐसी अवस्था में क्या हो बताइए। आनन फानन लड़की वाले ने किसी दूसरे लड़के को दूल्हा बनाया और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। उस लड़के को जिसे किडनैप किया गया था 31 दिन बाद रिहा किया गया, तो बेचारे का विवाह तो बर्बाद हो गया ना। ऐसे ही जीवन में निरंतर ऐसे लोगों के लिए बाधाएं उत्पन्न होती, वो सब कुछ कर लेता लेकिन बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इनको कहते हैं भाग्य उन्नति में बाधक रेखाएं। अगर बुध गुरु और शुक्र पर्वत से लेकर रेखाएं भाग्य रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति के जीवन में लगातार भाग्य उन्नति में बाधाएं ही आती रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? अगर आपको मूर्ख बनना है या बाधाएं तो आ रही हैं और बाधाएं चाहते हैं, तो कुछ मत करिए। जो हमारे ज्योतिषी भाई हैं, बस इनका तो एक ही नमूना, एक व्यापार बना रखा है इन्होंने, पत्थर। वो सीधा आपको कहेंगे पत्थर पहनिए, ये 5 लाख का, ये 2 लाख का, और आप पत्थर पहनने से बचेंगे। पत्थर पहनने से व्यक्ति बचता तो नहीं, लुट जरूर जाता या अकाल मौत के काल में जरूर समा जाता। अतः ऐसे मनुष्यों को इन ढोंग या ढकोसलों में विश्वास नहीं करना चाहिए। इन ज्योतिषियों को इतना पता ही नहीं कि हस्तरेखा है क्या, ये ग्रह है क्या, ये तो बस इनको खेल समझ लिया, जादू टोना वाले की तरह। अरे भगवान को नमक ग्रह ने नहीं छोड़ा, भगवान गणेश जी का सर कटवा दिया भगवान शिव के हाथों, पार्वती को हवन कुंड में जलना पड़ा, नमक ग्रह की दशा से कोई बचा नहीं। इन ज्योतिषियों को कौन समझाए? हम आप तो इस पृथ्वी पर रहने वाले आम आदमी हैं, प्राणी हैं। इन्हें केवल उन्हीं की दशा में जाकर, इन्हीं की अवस्था को मंत्र साधना, यंत्र साधना और जप साधना के द्वारा, रेखा साधना के द्वारा, दान साधना के द्वारा आप कम कर सकते हैं। अन्यथा जो हो रहा है तो हो ही रहा है, गाड़ी चल रही है चलने दीजिए। अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो जैसी आपको रेखाएं दिखाई हैं, अगर ऐसी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में हैं, तो केवल बुध गुरु और शुक्र देव की शरण में जाना चाहिए, ना कि इन पत्थरों पर विश्वास करना चाहिए। और जैसा कि आप हाथ नंबर 510 में देख रहे हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणि बंध से लेकर शनि पर्वत तक जाए और वो आयु के किसी भी भाग में 2 टुकड़े में बट जाए यानी टूट जाए, जैसा कि आप हाथ नंबर 510 में लिखा देख रहे हैं, टूटी हुई भाग्य रेखा, तो आयु के उस भाग में व्यक्ति का भाग्य भी टूट जाता, मंदा पड़ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर ऐसी अवस्था में व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो नौकरी चली जाती है। एक जिले का तहसील में नायब तहसीलदार भू राजस्व विभाग के मामले में
जमीनी विवाद की पास ऐसा फंसा कि रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ गया। फिर क्या था, लोक आयुक्त पुलिस उस पर केस चलाए, उसके पहले उसे सीधा जेल भेज दिया गया, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। जहां पर 20 से 50,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहा था, अचानक जेल की सलाखें उसे देखनी पड़ी। ये क्या है? अगर ऐसी अवस्था वाला व्यापारी है तो व्यापार में अचानक घाटा लग जाएगा, अगर कारोबार है तो कारोबार अचानक ठप हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसी अवस्था में कुछ लोग जुआ, शेयर मार्केट का सट्टा वाला काम खेलते हैं, क्रिकेट मैच में जुए की तरह काम करते हैं और लाखों रुपए के ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर उद्योगपति, कंपनीपति या कोई बड़े बिल्डर्स हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अचानक ऐसा नुकसान उठाते हैं कि पूरी तरह दिवालिया घोषित हो जाते हैं। अतः आपके जीवन में कोई बड़ा भारी संकट आए, परेशानी आए, आपको ले डूबे, उसके पहले आपको अगर ऐसी रेखा टूटी हुई आपके हाथ में है तो आप उस समय जितनी जुए में बोली लगाएंगे सारी हार जाती है। आप वो नुकसान उठाएं, परेशानी उठाएं, कष्ट में जाएं, उसके पहले आपको उपाय कर लेना चाहिए। बारिश को होने से रोक तो नहीं सकते, किंतु छाता लगाकर स्वयं को भीगने से तो बचा सकते। आप नुकसान हो होने दो, लेकिन स्वयं की बचत कर सकते। बारिश में यदि छाता लगाकर निकल जाए तो बारिश की बूंदें केवल पांव तक ही गिर पाएंगी, आपके कपड़े भीगने से बच जाएंगे, आपका सिर बच जाएगा, आप बड़े भारी नुकसान से बच जाएंगे। कहा भी गया, या जग में आए के दान किया ना किया उपकार, मेरी मेरी करते निकल गए हैं प्राण। व्यक्ति मेरी तेरी, तेरी मेरी करते, तू तू मैं करते करते चला जाता, इस भाव लोक से पता नहीं किस खिचड़ी के ढेर में समा जाता है, कौन से भीड़ में विलुप्त हो जाता कुछ पता नहीं। अतः मानव को आने वाले कुछ समय का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ आप हाथ नंबर 511 में बड़े ध्यान से देखें, बिन बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए। एक कहावत हिंदुस्तान में तो बहुत प्रचलित है, ऐसे लोग जीवन में दुखी रहते हैं जिनकी भाग्य रेखा प्रथम मंगल से शनि पर्वत पर अंत कर रही हो। ऐसे व्यक्ति जीवन में काम बिगाड़ लेते हैं और अपने ऐसे दिमागी रूप से काम बिगाड़ते कि बस उनके पास पछताने के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। एक नमूने के तौर पर एक व्यक्ति दाम्पत्य जीवन को बड़े आराम से गुजार रहा था, पति पत्नी के पास एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक और उन्होंने एक नेवले को भी पाल रखा था। अचानक पत्नी को कोई काम आ गया, पति के साथ चली गई और घर में ताला लगा दिया, बच्चा अकेला सो रहा था, नेवला वहां उसकी रखवाली कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहां एक भयंकर कोबरा सांप आया और उस सांप ने जैसे ही बच्चे को डसना चाहा, नेवला झपट कर काम का सांप का काम तमाम कर देता है और उसका मुंह खून से लथपथ, सांप को वहां टुकड़े टुकड़े कर दिया नेवले ने। नेवला खुश कि उसके मालिक आकर देखेंगे, बड़े खुश होंगे। नेवला वहां दरवाजे पर बैठ गया कि उसके मालिक बहुत खुश होंगे कि उसने उनके बच्चे की जान बचाई, लेकिन यहां पर हुआ उल्टा। जैसे ही उस दाम्पत्य ने देखा, पति पत्नी ने देखा कि नेवले ने तो बच्चे को मार डाला है, उसका मुख खून से लथपथ देखा, किसान ने डंडा उठाया और नेवले को वहीं धराशायी कर दिया।
नेवला बेचारा मर गया। जैसे अंदर जाकर देखा, बच्चा पालने में बड़े आराम से खेल रहा था और उसके पास में सांप कोबरा मरा हुआ डला था। किसान को समझने में देर न लगी, फिर वो व्यक्ति बस बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। ऐसे ही ये लोग होते हैं, ऐसी रेखा वाले जिनकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होकर के शनि पर्वत पर बच जाए। ऐसी रेखा वाले प्राणी जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं और दुखी रहने का कारण बिन विचारे करना। इनको मानो कुदरत ने ऐसी चाबी भर के भेजा है, ऐसा इन्हें सेट करके भेज दिया है कि हमेशा जो भी काम करते हैं बिन विचारे करते हैं और बाद में दुखी रहते हैं। चाहे वो अपनी पत्नी को मार डालें, चाहे अपनी गृहस्थी बर्बाद कर दें, धन संपत्ति दाव पर लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं, बस ऐसे व्यक्ति जीवन में दुखी रहते हैं और दुखी रहने का कारण है बिन विचारे। अब सवाल आता है, आखिर ऐसे व्यक्ति क्या करे कि जीवन में दुखी ना हो, जीवन में खुशियां आए। कहीं ना कहीं प्रारब्ध की गलती है, उसे कैसे सुधारे? तो इसे पूरी तरह तो नहीं सुधार सकते, हाँ कुछ हद तक आप इन गलतियों को अवश्य सुधार सकते हैं। इसमें मुख्य बात होती है रेखा साधना, मंत्र साधना और जप साधना। इनके द्वारा आप कुछ हद तक अपने जीवन में दुख कम कर सकते हैं और बाकी आपका जीवन चल ही रहा है। अगर आपको ऐसी बात न लगे कि हम अपने दुखों को कम करना चाहते हैं, तो अभी तक का सटीक उपाय हस्तरेखा विज्ञान दुखों का निदान बहुत ही सार्थक और सफल हो रहा है। जैसा कि आप हाथ नंबर 512 में देख रहे हैं, अगर ऐसी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में हैं, यानी भाग्य रेखा द्वितीय मंगल से निकलकर बुध पर्वत पर आकर रुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में ज्ञान और व्यवसाय के क्षेत्र में चाहे तो अथाह सफलता प्राप्त कर सकता है। बस हमारे 9 ग्रह जो होते हैं उनमें से कोई ना कोई अनिष्ट दिशा में होते हैं। अगर 7 ग्रह अनिष्ट दिशा में हो, मंगल और बुध शुभ दिशा में हो, तब भी व्यक्ति करोड़पति तो बन ही सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहते हैं तो इनके लिए माइन विभाग यानी खनिज विभाग, पुरातत्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, रेलवे विभाग या PWD सड़क विभाग का या किसी भी बिल्डर्स जैसा काम या मकान बनाने का काम लेकर ये जीवन में अथाह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इन्हें शिक्षा विभाग यानी ज्ञान के क्षेत्र में इनके लिए उन्नति होती है। ऐसे लोग प्रशासन विभाग और टाइपिस्ट क्षेत्रों में अपने भाग्य को सार्थक बनाकर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति ज्ञान और व्यवसाय में पूरी तरह सफल होते हैं। अब वो आपकी च्वाइसेस है कि आप क्या करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं या ज्ञान के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि व्यक्ति सर्कुलेशन ना करे, सर्किल में ना घूमे, परिक्रमा ना करे। केवल जिंदगी कम है, हर पल पल आपका बहुत कीमती चल रहा है, आपको सीधा एक ही दिशा में कदम बढ़ा देना चाहिए। यहाँ इतना समय नहीं होता कि पहले आप आम खाएं, फिर इमली खाएं, अंत में जाकर अमरूद खाएं। आपको केवल अमरूद से ही ठीक होना है तो आप डायरेक्ट अमरूद ही खाएं। जैसा कि आप हाथ नंबर 513 में देख रहे हैं, आपके हाथ में भाग्य रेखा द्वितीय मंगल से निकलकर शनि पर्वत पर जा रही है। यदि ऐसी रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी में दुखमय व्यतीत होता है। ऐसा व्यक्ति युवावस्था में धनवान, प्रिय
और समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। एक नमूने के तौर पर अमेरिका शहर की अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन दिनों अपने खेतों में माता पिता के साथ काम किया करते थे। रात में रोड लाइट के नीचे माचिस का जो कवर होता है, वहां लकड़ी के कोले से उस माचिस के कवर पर लिख लिख कर पढ़ा करते थे। दिन भर माता पिता के साथ काम करते, मेहनत करते, मजदूरी करते और रात्रि में 10 बजे के बाद रोड लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। कई बार तो पढ़ते पढ़ते न रात का भी आभास नहीं होता। कड़ाके की ठंड में जनवरी और दिसंबर के माह में भी इतने व्यस्त हो जाते पढ़ाई में कि बस अध्ययन करते करते इन्हें आभास नहीं होता था। 4 कब बज गए, कब सुबह हो गया, कब प्रभात काल हो गया, कब सूर्य उदय हो गया, इनको पता ही नहीं चलता था। ऐसे होते हैं प्रतिभावान व्यक्ति। इनके अंदर जो लगन होती है, प्रकृति ने मानो कूट कूट कर भर दिया होता है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जैसे ही मैट्रिक पास करने के हुए तो अपने दोस्त से किताबें उधार लेकर पढ़ती थी, और जैसे ही 36वें साल में इन्होंने कदम रखा, सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। आज उन्हें हम और आप और पूरी दुनिया लगभग जानती है। तो ऐसे व्यक्ति पहले तो गरीब तबके में जन्म लेते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, परेशान होते हैं, हर दुख दुविधाओं का सामना करते हैं। अथक परिश्रम, अथक मेहनत करने के बाद ऐसे व्यक्ति जीवन में युवावस्था में खूब चमकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं हों, वो व्यक्ति बचपन में बहुत गरीब रहे, युवावस्था में धनवान हुए। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार चोट भी खाते हैं, रोड एक्सीडेंट या ऊंचाई से गिर के इनके सर में चोट लगती है, और कई बार ऐसी चोट भयानक भी हो सकती है। जैसा कि आप हाथ नंबर 514 में देख रहे हैं, इस हाथ को बड़े ध्यान से देखिए। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा खूब चौड़ी हो और उथली हो, और वो आयु के किसी भी भाग में हो, आयु के उस भाग में व्यक्ति को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसी रेखा पूरे लाइफ में है, यानी पूरे हाथ में मोटी और उथली हो, तो व्यक्ति का पूरा जीवन कठिनाइयों, परेशानियों, दुखों से, कष्टों से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर धनवान हो या कितना भी अच्छा हो, आखिरकार उसके कोई भी काम पूरी तरह हो ही नहीं सकते। हर काम में, यहां तक कि अगर उसको घर से विद्यालय जाना है तो वहां जाते जाते हो सकता है कहीं बीच में गिर सकता है, गिर कर चोट खा सकता है, बीच में किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से एक्सीडेंट हो जाए। जीवन के पग पग पर ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर दम कठिनाइयां आती हैं। अगर वो कोई पढ़ाई का श्लोक ही याद करे या कोई प्रश्न का उत्तर याद करता है तो वो बार बार भूल जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में पूरी तरह सफल हो ही नहीं सकता। हर दम कठिनाइयों का, कष्टों का उसे सामना करना पड़ता। विवाह होने के बाद तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से डांट खाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति पत्नियों के द्वारा पीटे भी जा सकते हैं। पत्नी के द्वारा डांट खाते, घर वालों से डांट खाते, परिवार वालों से डांट खाते, और मोहल्ले परिवार के बाद समाज के या शहर के लोगों से भी कई बार इन्हें मुंह की खानी पड़ती है, कई बार इन्हें अपमानित भी होना पड़ता। यूं कहें ऐसे व्यक्ति को तो बस कहीं भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति जीवन में उदास, निराश, कभी खुशी कभी गम तो लगा ही रहता, लेकिन खुशी इन्हें ज्यादा नहीं मिल पाती। अगर आप जीवन में दुखों का निदान करना चाहते हैं, इन दुखों से बचना चाहते हैं, जीवन में कठिनाई ना आए, परेशानी ना आए, तो क्या करे? वो व्यक्ति चंद्र देवता केतु महाराज और शनि देवता की शरण में जाकर अगर साधना करें तो व्यक्ति को निश्चित रूप से कष्टों, परेशानियों, विपत्तियों से मुक्ति मिल सकती है।
लेकिन हम इसकी कतई सलाह नहीं देना चाहेंगे कि आप हाथ में पत्थर पहनिए, अंगूठी पहनिए, रत्न पहनिए। अरे इन रत्नों से कुछ नहीं होता, ये केवल ढोंग है। अगर रत्नों से कुछ होता वो रामपाल पहने हैं, आसाराम बापू पहने हैं, अपने असिस्टेंट ज्योतिषी स्वयं रखे हैं, क्यों नहीं बचा पाए? ऐसे व्यक्ति केवल दूसरों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, स्वयं को ठीक नहीं कर सकते। यहाँ शनि की दशा है, आपको भूख लगी है, आप बीड़ी पी रहे हैं, आपका पेट भर जाएगा क्या? ऐसा दिमाग खर्च न करें। इनका बचने का उपाय हम आपको बता चुके हैं, जैसा कि हाथ नंबर 515 में आप देख रहे हैं। इस हाथ में बड़े ध्यान से देखें, भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर ना जाते हुए सीधा चंद्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर अचानक मुड़ रही है। यदि ऐसी रेखा वाला व्यक्ति है, ऐसी रेखा वाला जातक जीवन में धनवान, लोकप्रिय, मित्रों से अर्थ लाभ पाने वाला और कला कौशल का ज्ञाता होता है, ऐसे व्यक्तियों को अगर मित्र का सहयोग मिल जाए, अगर मित्र ना भी हो तो इन लोगों को मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि मित्रों के सहयोग से ऐसे व्यक्ति अथाह सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जिस व्यक्ति की रेखा हम आपको दिखा रहे हैं, इस व्यक्ति के कई अंतरंग मित्र थे और मित्रों ने एक दिन इस व्यक्ति को महाविद्यालय यानी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया। उस व्यक्ति ने अपनी हामी भर दी और कुछ चंद रुपयों को मिलाकर वहां एक कॉलेज तैयार हो गया और एक साल में देखते देखते उस विद्यालय में लगभग 8 से 10 हजार विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया। बीए फर्स्ट ईयर से एमए तक के विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाएं शुरू कर दी और उस कॉलेज को उनके अंतरंग मित्र संभाल रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति पर ईयर यानी हर साल लाखों रुपए कमा रहा है। तो चंद्र और सूर्य को मिलाकर यदि रेखा हो, चंद्र पर्वत से सूर्य पर्वत की ओर रुझान करती हुई, तो ऐसा व्यक्ति धनी तो होता ही है, मित्रों से धन लाभ भी प्राप्त करता है। और थोड़ी सी कल्पना कर ले या मित्रों से सहयोग मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अथाह सफलता प्राप्त करता हुआ, आनंदमय खुश मैं अपना जीवन व्यतीत करता हुआ, यह लोक सुखी परलोक सुखी कर जाता और नाम अमर कर जाता है। इसका सीधा जागता उदाहरण डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर, मध्य प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हाथ नंबर 516 में आप बड़े ध्यान से देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणिवंश निकलकर अनामिका और मध्यमा के बीचों बीच जाकर रुक जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में महाभाग्यशाली होने के साथ ही अत्यंत भाग्यशाली तो होता ही है, साथ में ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा और सम्मान के क्षेत्र में अनूठा नाम कमाता है। ऐसा नाम कमाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त कर लेता है। और यदि ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में जाना चाहे तो इस प्रकार के व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्रीज यानी फिल्म उद्योग में अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे आ जाए। इनका भाग्य केवल एक्टिंग के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में ही इन्हें सफलता दिलाने के लिए तत्पर रहता है। अब व्यक्ति हो सकता है समाज में, परिवार में, देश में, शहर में छोटे मोटे प्रकार की एक्टिंग या कलाएं दिखाना चाहे तो किसी भी रंगमंच पर अभिनय करके नाटक में भाग ले सकता है, डांस कर सकता है, संगीत वादन, नृत्य वादन में अपना छोटा मोटा रोल अदा कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बड़े पैमाने पर एक्टिंग के लिए कुदरत ने रच कर भेजा होता है। ऐसे व्यक्तियों को फिल्म उद्योग में ही अपना नाम सफल करना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में जानना चाहते हैं किस क्षेत्र में मिलेगी आपको सफलता, कौन सा कारोबार रहेगा आपके लिए फायदेमंद, क्यों नहीं हो रही आपकी इच्छाएं पूरी, क्यों नहीं हो रही हैं आपकी इच्छाएं सफल, जो आप सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा है वैसा,
क्यों नहीं हो रही आपकी लव मैरिज, या क्यों हो रहे हैं अपने प्रयासों में असफल, आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आप अपने दोनों हाथों का 4x6 फोटो निकलवाएं, या ऐसा ही फोटो अपने मोबाइल से निकालकर अगर व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो आप डायल कर सकते हैं हमारा ए नंबर। और अगर आप अपना फोटो फेसबुक पर अपलोड कराना चाहते हैं तो अपना स्वयं का फोटो निकालिए और उसे अपलोड करने के लिए दोनों हाथों का फोटो हमारी फेसबुक पर अपलोड करने के लिए सर्च कीजिए हमारा ए नंबर। और हाँ, यदि आप हस्तरेखा विज्ञान का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या इसे YouTube पर डिटेल जानकारी के साथ देखना चाहते हैं तो YouTube में टाइप करें पंडित SN पांडे हस्तरेखा विज्ञान, आपको विस्तृत जानकारी वहां उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कल इसी समय और इसी चैनल पर इसी वक्त फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।